हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक छोटा सा डेमो वीडियो सी लैंग्वेज का। यहां पर देख सकते हैं ये हेडर फाइल मैंने सी लैंग्वेज में बनाई है, जिसमें मैंने हैश इंक्लूड stdio.h दिया है, फिर यहां मेन फंक्शन लिखा है और यहां पर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है जिसमें जीरो को स्टोर कराया है। अब यहां पर देख सकते हैं इंटीजर टाइप का एक और एरे बनाया मैंने, एरे की साइज मैंने 5 रखी है, टर्मिनेट किया है और अब एरे में लाइन वाइज चीजों को स्टोर कराया है। जैसे एरे का जो मार्क्स नाम से जो एरे बनाया है उसमें 0 में 80 स्टोर कराया, 1 में 60, 2 में 70, 3 में 85 और 4 में 75 स्टोर कराया है। और यहां पर मैं क्या कर देने वाला हूं, ये देखिए इक्वल टू लिखा है मैंने, इसको लेस देन कर देता हूं और यहां मार्क्स को प्रिंट कराऊंगा और आई, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आई में ऑलरेडी 0 स्टोर है और लेस देन 5 है आई, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, कंपाइल करवाता हूं इसको, कंपाइल करवाया और यहां से रन करवा देता हूं। तो जैसे ही रन करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि यही सेम वैल्यूज इसमें प्रिंट हो रही है। देखिए 80 प्रिंट हो रहा है, 60 प्रिंट हो रहा है, 70 प्रिंट हो रहा है, 85 है और 75 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आई को जो इनिशियलाइजेशन किया है यहां पर, ये मैं इनिशियलाइज ना करूं, आई को मैं इनिशियलाइज ना करूं और यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया जाए फॉर लूप में। अब देखिएगा फॉर लूप में है ये, तो ये फॉर लूप में आई में मैंने 0 रख दिया, इनिशियलाइजेशन यहां पे किया है, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा, एक बार चेक करते हैं। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, कंपाइल हो जा रहा है सक्सेसफुली, अब यहां पे रन करवा दिया। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहां पर देखेंगे हम कि यहां पर वही वैल्यूज तब भी प्रिंट हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर मेंशन कर देंगे और यहां पर डिक्लेरेशन करेंगे, ये बताएंगे कि आई में क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तब भी आपका प्रोग्राम सही होगा, तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, आउटपुट आपका आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।